परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में स्वामी श्रद्धा बाबा जी से हम इस पर्व की महत्ता के विशेष रूप में अपने दर्शकों के बारे में जी महाराज जी महिमा और महत्ता बताएं। एकादशी एकादशी महीने में दो बार और वर्ष में 24 बार आती है, और जो भी पर्व त्योहार आते हैं उसका आध्यात्मिक महत्व होता है और भौतिक जगत में भी उसका महत्व होता है। तो व्रत उपवास जो हम सब लोग करते हैं, इसका पहला कारण है कि पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि लीवर किडनी इत्यादि एक दिन के लिए रेस्ट पा जाता है, और बाकी इसका ऐतिहासिक घटना आज पूज्य गुरुदेव भगवान सत्संग में बताए भी कि राजा अम्बरीश से है, दुर्वासा से है, किस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूँ कबहु न छाड़ूँ साथ। तो इसलिए भगवान रक्षा करते हैं। एकादशी का तात्पर्य आप 10 अध्याय गीता पढ़िए, यथार्थ गीता, जैसे ही आप 11वां अध्याय पढ़ने लगेंगे तो 10 अध्याय में अर्जुन कन्फर्म हो चुका था भगवान के विराट रूप को जब उसने देखा, तो उसके मन की जो दशा अनंत थी वो एक ईश्वर एक परमात्मा कृष्ण में लगी। तब वो कहता है भगवान आप ही सब कुछ हैं, और 12वां अध्याय भक्ति योग, तब जाके आपके हृदय में भक्ति योग का सूत्रपात होता है। तो एकादशी एक मन बसकर सेवम जाय, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाय, और द्वादश को दान किया जाता है। तो जब मन की दशा एक हो गई तब जाके आवागमन से जीव की सहज मुक्ति होती है, और फिर दान देना मतलब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। जैसे बलि ने दान दिया, कहा प्रभु बस यह शरीर है बा, बाकी जो कुछ बात खत्म हो गया आप पहले ले दी। इसलिए जो भी पर्व आते हैं हमारे सनातन धर्म में वो बकवास नहीं है, बल्कि उनका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है, और दोनों पक्ष को कोई महापुरुष ही बता सकता है। ये पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी है जिससे केवल हम सब लोग बताते हैं। तो ऐसे महापुरुष को आपने पाया, हमने पाया, पूरा ये मानव समाज के जो पुण्यात्मा हैं आ रहे हैं वो पाए, सब लोग धन्य हैं। इसलिए आप गीता पढ़ें, और बिना गीता और रामचरितमानस पढ़े इस मन की दशा एक नहीं हो सकती। आदमी तो एक है लेकिन मन की दशा अनेक है। यही आदमी आता है चलो छत्तीसगढ़ दर्शन कर लेंगे, दर्शन करके निकलता है तो फिर मन की दशा बदलती, सोचता तो लगा को चप्पलों को मुँह बढ़िया ले लेते हैं। उसके बाद तीर्थ में बहुत से लोग जाते हैं, भोलेनाथ का दर्शन किए, कृष्ण भगवान का दर्शन किए, अन्य देवताओं का, जैसे बाहर निकल गए चलो होते 70 रुपया पौआ मिलता है अगर पौआ मार ले। एक दशा तो भगवान की तरफ ले गई लेकिन दूसरी दशा तुरंत बदल देती है। जब गीता पढ़ेंगे रामायण पढ़ेंगे तो ये मन एक परमात्मा की तरफ लग जाएगा, और नहीं तो ऐसे हम जन्मते और मरते रहेंगे।